नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम व्यू पर। पहले का टॉपिक मैंने आपको करवाया था एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल कैसे निकालते हैं। अब वो मैंने आपको दो की स्पीड लेकर बताई थी कि अगर एक फिक्स डिस्टेंस में चलते हैं तो फॉर्मूला था 2xy/x + y। लेकिन अगर केस आ जाए 3 पर्सन का, या 3 कार्स का, या 3 ट्रेन का आ जाए, तो उसमें आप एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल कैसे निकालोगे, तो उसमें बताता हूँ। लेकिन ये तब है अगर आपका डिस्टेंस हो, तीनों चीजें इक्वल कवर कर रही है, 40 40 40, या एक फिक्स डिस्टेंस को चल रही है, यानी कि 40 किलोमीटर एक्स इतने स्पीड से गया, वाई इतने से गया और जेड इतने से गया। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, इसको मैं ए एस से डिनोट कर देता हूं एवरेज स्पीड को। तो इसका होता है 3 अपॉन में 1 अपॉन x + 1 अपॉन y + 1 अपॉन z। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये 3xyz ऊपर आ जाएगा, और जब xyz को हम x से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा yz, और जब xyz को y से डिवाइड करेंगे तो zx, और जब xyz को हम z से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा xy। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड निकालने का जब कोई फिक्स डिस्टेंस के लिए चल रहा होगा। सपोज कोई पर्सन जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कोई 40 किलोमीटर जा रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर की, 40 किलोमीटर जा रहा है 80 किलोमीटर के आवर से। तो ये एक्स वाई जेड उनकी स्पीड होगी, तो ये एक्स वाई जेड ये स्पीड है, तो यहाँ स्पीड की वैल्यू पुट करके आप उससे उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेन को लेकर है कि कोई रेलगाड़ी कितने समय में कितना कवर करेगी, दो रेलगाड़ियां कैसे आपस में मिलेंगी, कितने टाइम बाद, या एक पिलर को कितने टाइम में कवर करेगी। इस टाइप के बहुत ही क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या फिर इस टाइप में कि दोनों एक घंटा पहले चले गए, उसके बाद चले तो दूसरी रेलगाड़ी उसको कितनी देर में पकड़ेगी, या कितने टाइम में उसको कैच करेगी, उसके इक्वल स्पीड में आएगी, दोनों का डिस्टेंस क्या है कवर किया, ये सब चीजें बातें आएंगी। तो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन की, ट्रेन से रिलेटेड आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको हमेशा जो स्पीड मिलेगी किलोमीटर पर आवर में मिलेगी, अगर ट्रेन के केस में, अगर मीटर में मिलती है तो वेल एंड गुड है, तो आपको इसमें ये फॉर्मुला वगैरह मैं बता रहा हूँ वो यूज करने की जरूरत है ही नहीं। और इसमें क्या होगा, सपोज करो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सपोज की एक ट्रेन है जो की स्पीड से चल रही यू किलोमीटर पर आवर की से, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है हमें कुछ मीटर दी है, यानी कि L, उसकी जो दिया हमें कि X मीटर दी हुई है, और इसमें अब हमें बोलते हैं कि वो एक जो किलोमीटर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े पर्सन को, या फिर एक मान लो आप चेयर जो लगी होती है प्लेटफॉर्म पे, उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी, स्थिर चीज को, मतलब जो स्टेबल है, स्टेबल चीज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी, तो उसमें आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखो स्पीड हमारे को किलोमीटर पर आवर में, और जहाँ ट्रेन की होगी वो मीटर में होगी। कॉमन सी बात है, ट्रेन कोई किलोमीटर लॉन्ग तो होगी नहीं, अगर हो भी जाती है वो आपकी लोडिंग ट्रेन होती है, वो तो आप अपने जरूरत के हिसाब से उसे एडजस्ट करते हैं। लेकिन जो जनरली बात होती है वो हमेशा मीटर में ली जाती है, ट्रेन की लेंथ मीटर में काउंट होती है, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, वो पूछेगा कि ट्रेन जो स्टेबल पर्सन है या स्टेबल कुछ भी थिंग है स्टेशन के ऊपर जो खड़ी है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। हम जानते हैं कि एल जो है यहाँ पर वो डिस्टेंस का प्लेयर कर रही है रोल, कि डिस्टेंस है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हम जानते हैं टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कि कितना डिस्टेंस और वो कितनी स्पीड से चल रही है। ओके, तो अब इसको हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक्स है, लेकिन क्या ये हमारे पास मीटर में है ना, और स्पीड हमारे पास क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। अब इसको हमें, अब हम जानते हैं हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं किसी चीज को, तो हम तभी कर पाएंगे कि अगर दोनों की यूनिट सेम हो। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमें कन्वर्ट करना, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, अगर उसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्स अपॉन में यू इंटू में 5/18, तो ये आ जाएगा आपका 18x अपॉन में 5u। ये इतना इसका टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने, ये सो गया जबकि कोई स्टेबल थिंग है या कुछ है उस केस में हमें उसका टाइम निकालेंगे। वैसे ये फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर लेना u into में 18x अपॉन में 5u, यानी कि जो भी उसका स्पीड होगी वो, और x जो उसकी जो लेंथ होगी ट्रेन की हमें जो दी होगी वो हमेशा यहाँ पर सेकंड में आएगी, ध्यान रखना। और अगर इनके साथ अगर वो बोलता है कि एक ट्रेन है जो 5 मीटर वहां पर कोई थिंग देती है उन्होंने कि 5 मीटर लंबा कुछ भी रखा है, या बॉक्स रखा है, या अपना 5 मीटर कोई ट्रक खड़ा है लेंथी, कुछ भी बटा जो भी वो एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपके उस केस में आपका अगर मान लिया कि वो पी जो अपना सॉरी वो जो लेंथ है उसकी होगी 5 मीटर किसी भी थिंग की, तो उसमें सीधा क्या करना है 18 x + 5/5u, ये आपका तब काम हो जाएगा, मतलब आपको ऐसे निकालना होगा, ये उतना समय लेगी उस चीज को, क्योंकि एक तो ट्रेन देखो ट्रेन ऐसी है थिंग रखी है
5 मीटर की, ये ट्रेन यहाँ से जा रही है, ट्रेन यहाँ से जाएगी, जब इसका आखिरी सिरा आएगा तो यहाँ पर ट्रेन क्रॉस होगी, प्लस में उसे ये भी तो डिस्टेंस कवर करना है ना, तो ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया जो टाइम उसको करने में दिया तो वो भी तो प्लस में काउंट होगा, तो इसी वजह से ये टाइम यहाँ पर कंज्यूम होगा यहाँ पर भी, ठीक है, वो उस समय को भी लेगी उसको क्रॉस करने में। तो अब हम बात करेंगे रिलेशंस की, अगर टू ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन से जा रही है तो इसमें हम इनकी रिलेशन को कैसे निकालेंगे कि उनके बीच किस दूरी होगा या स्पीड का क्या रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इनके रिलेशन के इस चीज पर। तो हिंदी में मैं बता देता हूँ कि अगर दो रेलगाड़ियां अपोजिट विपरीत दिशाओं से आ रही है या सेम दिशा में जा रही है तो उनकी स्पीड के आपस में सापेक्षिक चाल का क्या अंतर होगा या उनके दूरी पर क्या फर्क पड़ेगा, कितने टाइम में वो मिलेंगी या कैसे, ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अब ए ट्रेन जो है वो अपना जा रही है यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यू, ठीक है, और जो बी जो है वो जा रही है वी किलोमीटर पर आवर से। अब एक घंटे बाद दोनों क्या हो जाएंगी, डिस्टेंस को कवर करेंगी, यही होगा ना, यू किलोमीटर कवर करेगी ए ट्रेन, और अगर बी जो है बी किलोमीटर करेगी एक घंटे बाद। अगर दोनों ट्रेन एक साथ एक ही प्लेस से स्टार्ट होती है चलना, एक ही स्थान से एक साथ शुरू होती है चलना, और यू जो है उस केस में हम मानते हैं बड़ा है बी से, तो आपकी सापेक्षिक चाल क्या होगी यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वो होगी यू माइनस में बी किलोमीटर पर। तो हम ये कह सकते हैं कि यू जो है अपना बी से कितने किलोमीटर यू माइनस वी किलोमीटर आगे चल रही है, बिल्कुल कह सकते हैं एक घंटे बाद इतना ही होगा ना, क्योंकि उसकी जब भी बताते हैं तो एक घंटे में क्या है डिस्टेंस उसी में तो बता देते हैं कि उसकी वो स्पीड है। अगर आप एक घंटे में 60 किलोमीटर चलते हैं तो आपकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, तो यही बात यहाँ पर होगी ना, अगर यू बड़ा है, मान लो यू चलता है 90, वी चलती है 60, तो यू और वी एक घंटे बाद कहाँ होगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो 90 किलोमीटर चल गई एक घंटे में, वो 60 चल गई, तो 90 माइनस 60 30, और यही उसकी स्पीड का डिफरेंस भी आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, और उसका जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर आएगा, कि जो यू कहाँ होगी उससे 30 किलोमीटर आगे होगी। ये बात कब की है यू माइनस वी, अगर तो ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर यही बात हो जाए कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, अब हमसे पूछे कोलाइजन का उनका टाइम क्या होगा, उनके भिड़ने का टाइम क्या होगा, या किस पॉइंट पर आगे मिलेंगी, कितने टाइम पर मिलेंगी, तो उसमें हमको जो वो मिलेगी रिलेटिव स्पीड आर एस जो मिलेगी, यानी कि सापेक्षिक चाल मिलेगी, वो मिलेगी यू प्लस वी, वो उनकी ये होगी पदा, ठीक है, ये होगी अपोजिट डायरेक्शन से आती है, ए इधर से आ रही है, बी इधर से आ रही है, ठीक है, तो यू इसकी होगी, वी इसकी होगी, तो तब आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला यू प्लस वी पर, ये उसकी स्पीड हो जाएगी दोनों की, कि कब ये दोनों आपस में आगे मिलेंगी या कब इनका मतलब कि कोलाइजन होगा, कब जाके भिड़ेंगी आपस में, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये मैंने बता दिया आपको कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो, ठीक है, अब इनके मिलने का अगर हमें समय निकालना तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये रिलेटिव स्पीड है यानी कि सापेक्षिक चाल होगी, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाय में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर दोनों ट्रेन कब मिलेंगी, एक उस स्पीड से चल के आ रही यू किलोमीटर पर आर से और एक बी की, तो एक प्लेटफॉर्म पे दोनों के बीच मतलब कि मानो एक करनाल से चल के आ रही है और एक दिल्ली से, तो पानीपत पर कब मिलेंगी, तो डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का प्लेटफॉर्म का आपस में दोनों का डिस्टेंस हो गया, वो डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या हो गया, और दोनों की स्पीड यू प्लस में वी, ये हमारा जो आ जाएगा टाइम आ जाएगा, पर सेकंड आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड में लिखना या आर्स में लिखना, वो आपका आर्स में ज्यादा टाइम आ जाएगा या आपका सेकंड्स में आ जाएगा। अब तो बात होगी कि कब किस पॉइंट पर मिलेंगी, अब बात होती है कि एक ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पुट होता है कि ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, ठीक है, एक ट्रेन L1 इससे आ रही है और L2 इस तरफ से आ रही है, लेंथ है उनकी, ठीक है, तो अब देखो ये ए ट्रेन होगी और ये इधर से आ रही है बी, अब बी इधर से आ रही है आती 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 है वहां पर, ये मान लो बी की लेंथ है, ठीक है, अब यहां से आते थे इतनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, प्लस में ए इसकी भी लेंथ इसको कवर करनी पड़ेगी, ये मान लिया L1 योगी L2, मतलब कि दोनों ट्रेनों को अपनी अपने डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो उसमें एक दूसरे को पार करने में उनको मतलब क्रॉस करने का जो टाइम लगेगा एक ईच अदर्स को दोनों को आपस में, तो उसका जो टाइम होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बताया था L1 प्लस L2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस हो जाएंगे ना, और सेम ही भी केस यही रहने वाला है L1 प्लस L2, ठीक है, ये तो डिस्टेंस आ गया, अपोन में जो उनकी स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड यू प्लस वी, पैरेलल में तो यू प्लस वी होगा, ठीक है, लेकिन अगर ये सेम यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो उसमें आपका क्या होगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाई यू माइनस वी, ठीक है, वो आप देख लेना कि किसका क्या स्पीड ज्यादा, वो आपको इस हिसाब से यू उसको मानना है वी उसको मानना है, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे
कुछ और टॉपिक इससे रिलेटेड। ये तो हो गया थर्ड केस हमारा सिंपल सा। अब इसी में वो लोग क्या करते हैं, चीज और वैल्यू पुट कर देते हैं कि जैसे कि मानो कि L1 ने एक बॉल को पार किया T1 सेकंड में और L2 ने एक बॉल को पार किया T2 सेकंड में, तो उस केस में आप दोनों को क्रॉस करने का टाइम बताओ क्या लेंगे। तो उस केस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन की, यानी कि विपरीत दिशाओं की। ठीक है, ये अपोजिट का सारा केस चल रहा है जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं। पहले तो मैंने आपको दोनों का बता दिया। अपोजिट में आपको क्या करना है, अपोजिट में निकालना, जैसे फॉर्मूला तो यही है L1 प्लस L2 अपॉन में U माइनस V, समय तो फॉर्मूला तो बदलेगा ही, दूरी बटा में अपना जो उसकी चाल है उसी से हम समय निकालेंगे ना किसी चीज की। तो उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन हम क्या करेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 बाय T1, अब अपोजिट कहता हूं ये प्लस L2 बाय T2, ये से आपका टाइम आएगा जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अब केस आएगी सेम डायरेक्शन में, यानी कि पैरेलल चल रही है वो, ठीक है, पैरेलल चल रही है। तो उस केस में क्या होगा आपका, L1 प्लस L2 L1 बाय T1 माइनस L2 बाय T2 हो जाएगा। इससे आप तब निकालेंगे जबकि वो पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो वो दोनों मतलब एक दूसरे को कम मिलेंगे टाइम पर, तो उस केस में हो जाएगा। केस क्या है कि जब आपको इन फॉर्मूलाज की यूज नहीं करने की जरूरत, मतलब कि अगर L1 बराबर हो जाए जब L1 इक्वल टू L2, यानी कि दोनों ट्रेन्स की लेंथ आपस में इक्वल हो जाए, तो उसमें आपको डायरेक्टली अराइवल टाइम, इंटेंडेड टाइम, अभिष्ट टाइम बोल दे, कुछ भी बोल दे आपका, आपको बोल देता है इंग्लिश में, अगर इंटेंडेड टाइम पूछेगा अराइवल पूछेगा, हिंदी में अभिष्ट समय पूछेगा आपसे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 × T1 T2 अपॉन में T2 प्लस T1 कह लो, जो T1 प्लस T2 को प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आपस में जोड़ना ही है। तो इस तरीके से आप उनका अराइवल टाइम या मिलने का टाइम निकाल सकते हो। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं जिससे आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, तो अब ये टाइप बाकी, जब तीन डिस्टेंस उसने सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर किए, ठीक है, तो देखो आप इसमें कैसे, मैं बता रहा हूँ कि तीनों बार उसने 120 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसकी स्पीड जो है सब में अलग अलग है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसका, पहले तो इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या होता है हमारे पास, देखते क्वेश्चन आपको फॉर्मूला तुरंत याद आ जाना चाहिए, 3 × XYZ अपॉन में, यानी का क्या है YZ प्लस में ZX प्लस में XY। तो अब यहां पर हम x y z लिख रहे हैं, x हमारे पास क्या है 4 मीटर पर सेकंड और y हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकंड और z हमारे पास क्या है 6 मीटर पर सेकंड। तो उसने क्या पूछा, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, हमने जो इसका फॉर्मूला लिख दिया, सीधी वैल्यू पुट कर दो इसमें, 3 × 4 × 5 × 6 अपॉन में, और y z है तो y z क्या है 5 × 6, ZX क्या 6 × 4 प्लस में XY 4 × 5, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 3×6 = 30 और 3×4 = 12, 12×3 = 36, 360 आ गया, ठीक है। और ये 30 + 24 + 20, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 360 / कि टोटल कर दो इनका 44 और 30 74, इसको कट करना जो कर सकते हो आप, ये किस पे कट सकते हैं, देखो पहले 2 से काट देते हैं, 180 आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गई हमारी मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड। अगर यही केस हो जाए कि वो कहे कि किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो किलोमीटर पर आवर में मैंने आपको बताया था 180/37 × 18/5 कर दो डायरेक्टली, ठीक है, इसको काट दो, 5×3 = 15 और ये बचा 3 × 5 = 30, मल्टीप्लाई कर दो इसे 36 × 18, 8×6 = 48, 4×8 = 24 और 4 = 28, 6×3 648 आ गया, 648/37 km/h, ये उसकी एवरेज स्पीड आ गई, ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। अब तक हमने देखा कि डिस्टेंस वो सेम कवर करते थे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, एवरेज स्पीड हम निकाल लेते थे, वो सब चाल निकाल लेते थे। अब आपके पास आ जाए क्वेश्चन कि वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है अलग अलग स्पीड के साथ, तो उसमें आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, सिंपल है, हर किसी डिस्टेंस और स्पीड से उसका टाइम निकालते जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, T1 मान लिया पहली दूरी उसने करी 100 मीटर और D2 उसने कवर करी कितनी 300 मीटर खरगोश ने और D3 कवर करी उसने कितनी 200 मीटर 200 मीटर ठीक है ना, और उसकी स्पीड क्या रही, यानी कि S1 रही उसकी 10 मीटर पर सेकंड,
एस टू रही उसकी 15 मीटर पर सेकेंड और एस थ्री रही उसकी 8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम टी वन टी टू निकाले। टी वन के लिए क्या होगा, डी वन अपॉन में एस वन जो कि 100 अपॉन में 10 यानी कि 10 सेकेंड। हाँ, इसको करने से ये जरूर देखना कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि वो मीटर है तो मीटर है, ठीक है ना, और वो मीटर पर सेकंड में ही स्पीड गिवन होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज करना, नहीं तो पहले कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो ऐसे आप टी टू भी निकाल लेंगे, डी टू अपॉन में एस टू यानी कि 300 बटा में 15 यानी कि 20 सेकंड। और यही हम एस थ्री टी थ्री निकालेंगे, टी थ्री निकालेंगे डी थ्री अपॉन में टी थ्री, तो ये आ गया कितना 8 × 16 = 25 सेकंड। तो अब यहां बोलता है कि वो पूछ रहा है हमसे पूरी यात्रा के दौरान, मतलब पूरी जर्नी के ड्यूरिंग उसको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी उसकी क्या है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला को क्या सिंपल से यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कंज्यूम बाय रैबिट। हाँ जी, तो हमने इनसे निकाल लिया टी वन टी टू टी थ्री, याद है हमारे पास डिवाइड करके जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें हमें एवरेज स्पीड निकालेंगे, डायरेक्टली हम पुट कर देंगे वैल्यूज। टोटल डिस्टेंस कितना किया, पहले 100 किया उसने, फिर 300 किया डी टू, ठीक है, फिर किया उसने कितना 200, उसके बाद टाइम उसने लिया 10 सेकेंड प्लस में 20 सेकेंड प्लस में 25। अब इसको प्लस कर दो कितना हो गया, 600 हो गया टोटल डिस्टेंस, और ये हो गया 30 और 25 55 हो गया, इसे काट दो, ये आपका क्या आ गया मीटर पर, ये आ गया सेकंड, आ गया एवरेज स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ए से बी जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, और बी से ए मत मान लिया हमने, ए से बी गया वो कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और बी से ए आ गया कितने की रफ्तार से है 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, स्पीड से। अब यात्रा के दौरान उसे टाइम टोटल कितना लगा, टोटल टाइम उसको लगा ए से बी और बी टू ए जाने में 14 आवर्स, ठीक है। तो दूरी बतानी है हमें, डिस्टेंस बताना है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताना है क्या है। तो इसके लिए देखो कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, अब हम हमारे हमारे दिमाग से सवाल क्या आएगा कि अपोजिट डायरेक्शन से आते तो यू प्लस बी कर देते हैं हम, या फिर जैसे यू प्लस बी का, लेकिन उसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यू प्लस बी है तो हमारे पास टाइम नहीं, अलग अलग टोटल टाइम दे दिया तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टी टू माइनस टी वन लगता है डिस्टेंस निकालने में, याद है ना फॉर्मूला मैंने बताया था। तो लेकिन अब यहाँ पर बात आई कि टोटल टाइम दे दिया, तो इसके लिए टोटल टाइम होगा तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे, टोटल टाइम पूरा समय दे दिया तो हम पूरी उसकी औसत चाल निकालेंगे उसकी यात्रा के दौरान क्या थी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था दोनों केस में, 2xy अपॉन में x प्लस y, तो वैल्यू पुट कर दो, x माना हमने a से b को यानी कि x मान लेते हैं हम 30 किलोमीटर पर आवर, y मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 30 × 40 प्लस में 30 प्लस 40 कर दूंगा अपॉन में, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे क्या आएगा, 2400 अपॉन में 70, तो इसको हम 0 0 काट देंगे तो आगे तो पड़ता नहीं, देख लो 240 अपॉन में 7 इसकी आगे किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास ये। अब टोटल टाइम हमारे पास क्या हो गया 40 किलोमीटर और 14 आवर्स, टोटल टाइम 14 आवर्स हो गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड आ गई टाइम आ गया, तो हर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू में टाइम, तो 240 अपॉन में 7 इंटू में 14, तो 2 से कट गया ये 7 × 16 आ गया 480 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। लेकिन बात ध्यान रखना 480 किलोमीटर जो है ये उसकी टोटल डिस्टेंस कवर है ये, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया ए टू बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो पूरा उसमें 480 किया दोनों की डिस्टेंस आ गई हमारे पास पूरा उसमें 400, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए से बी आ जाएगा, तो ए से बी की उसकी डिस्टेंस आ जाएगी 480 / 2 = 240 किलोमीटर, ये आपका आंसर होगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें, थैंक यू वेरी मच।